खबर फरीदाबाद से है, जहां पर कि एक मकान गिरने से दर्दनाक हादसा पेश आ गया। एक मजदूर की मौत हुई है, दो मजदूर घायल हुए हैं। दोनों घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त तीनों मजदूर खाना बना रहे थे और अचानक मकान की छत गिर गई। ये हादसा काफी दर्दनाक रहा। एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई जबकि दो मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर इनका इलाज चल रहा है। और हादसे के वक्त ये तीनों मिलकर खाना बना रहे थे, अचानक ही मकान गिर गया। फरीदाबाद से है बड़ी खबर। दीपक गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं दीपक का। दीपक, दर्दनाक हादसा पेश आया है, एक मजदूर की मौत, दो मजदूर घायल, अचानक मकान गिरता है। क्या ये मकान काफी खस्ता हाल था? क्या फिलहाल स्थिति बनती नजर आ रही है? जी ऐसा बिल्कुल, फरीदाबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। और मकान की बात करें तो मकान की छत जो गिर गई, और जो मजदूर बता रहे हैं वो मजदूर बता रहे हैं कि काफी जर्जर हालत में मकान था, क्योंकि मजदूरी करते थे और जो क्रेशर जोन है उस क्रेशर जोन के मालिक की तरफ से ही इनको ये दिया गया था कि क्रेशर जोन में काम करने के बाद आप यहाँ रह सकते हैं। उस मकान में रह रहे थे, खाना बनाते समय अचानक मकान की जो छत है वो एक तेज आवाज आई किसी चीज की और उसके बाद ये छत जो है वो गिरी है, जिससे एक की मौत हुई है, दो लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया जहां से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस, चूंकि देर रात का ये मामला है, पुलिस पहले तो इनको बचाव कार्य में लगी हुई थी और अब पुलिस जांच करने की कोशिश करेगी गिरने की वजह क्या थी इस छत की। चूंकि हालत तो बेहद खस्ता हाल था लेकिन इसके अलावा भी क्या इसकी कोई वजह है, तो पुलिस अभी इस मामले की जांच करेगी। और फिलहाल आज जो इसके परिजन है मजदूर के वो पहुंचेंगे और पोस्टमार्टम के बाद ये शव इनके परिजनों को सौंपा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो मजदूर थे, इन्हें ये मकान उस क्रशर मालिक की तरफ से दिया गया था जिसके यहाँ ये काम करते थे। मकान खस्ता हाल में था और मकान की छत अचानक गिर गई। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या मकान की छत अपने आप गिरी है या किसी का हाथ इसके पीछे था, इसके ऊपर भी जांच की जा रही है।